सो टेंजेंट की हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और उसी प्रॉपर्टीज बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। सो एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज लग रही वो तो कम से कम रिमाइंड में करा कि एक पॉइंट से हम जब टेंजेंट बनाएंगे तो ये जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। फिलहाल लेंथ वाला कुछ में लगने है, और जो सेंटर यानी रेडियस इस पॉइंट कौन से पॉइंट में टेंजेंट वाले पॉइंट में टच करेगी वहां पर बनेगा 90, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर ये जो लाइन से ये बनेगा 90, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने बताई दी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जैसे कि फिगर दिख रहा है कि यहाँ पर एंगल 50 दिया हुआ है, यानी टेंजेंट से और ये वाली जो कॉर्ड ये 50 दिया हुआ है। अगेन दिस टेंजेंट ये वाली जो कॉर्ड है ये 60 है, ओके। तो हमें निकालना है क्यू एस आर, देखो क्यू एस आर ये एंगल, ठीक है, ओके, ये एंगल। तो इस एंगल को निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। आप चाहो तो इधर से चले जाओ, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल निकाल लो, इस ट्राइंगल से ये वाला एंगल निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों एंगल आ जाए। देखो कितना है, देखना ये ट्राइंगल को पहले टारगेट कर दे, ये ट्राइंगल को टारगेट करें, ठीक है। देखो ये 50 है, ये पार्ट कितना है 50, अब पूरा एंगल कितना होता है, पूरा एंगल कितना होता है 90 होता है, टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी 90 होता है। तो अगर ये 50 है और ये पूरा 90 होता है तो ये कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। ये ट्राइंगल टारगेट कर, अगर ये 40 हो, देखना ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 40 क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है इक्वल है, तो ये 40 तो ये भी 40, ये अब ठीक, अब इसमें आ जाओ, चलो इसमें आ जाओ, ये 40 आ गया ना। हमें ये ट्राइंगल बना पता कर रहे क्यू एस आर, ये ट्राइंगल पता कर रहे 40 तो आधा तो मालूम पड़ गया, अब इसमें आ जाओ, चलो अब इसमें आ जाओ, ये वाला ट्राइंगल टारगेट कर, ये ट्राइंगल टारगेट किया, देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस, ये इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो जो यहां पर जो एंगल होगा वही यहां पर होगा, या यहां पर जो एंगल होगा वो यहां पर होगा, तो ये एंगल पता कर ले। देखो ये जो है ना टेंजेंट से 90 बनता है कि नहीं बनता है, ये जिसमें ये पार्ट 60 है तो ये वाला पार्ट 30 हो गया, ये 30 तो ये भी 30, तो 30 प्लस 40 70, तो 70 आएगा, ठीक है। ये इसका एक्सप्रेशन है इस तरीके से, ठीक है ना, इजी था कि नहीं था। चलो तो कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन बहुत है तो बाकी आप प्रैक्टिस कर लो, जो डाउट होगा वो आप मुझसे पूछो, ठीक है ना। चलो इसको देखते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर 80 इज अ टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए, सी ए बी 60 डिग्री है, सी ए बी 60 डिग्री है, तो ये 60 दिया हुआ है, इधर 55 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री दिया हुआ, ये 55 दिया हुआ, ओके। अब आप बोलोगे सर ये तो टेंजेंट 55 और 60 तो 90 होना चाहिए, तो ज्यादा हो रहा, टेंजेंट पर 90 बनता ही ना, तो ये 90 तो नहीं बन रहा है। आप ऐसा सोचोगे यहां पर क्या बनना चाहिए एंगल, ये टेंजेंट 90 बनना चाहिए, 90 बन रहा है, 90 तो नहीं बन रहा पर रेडियस थोड़ी हो, पर ये सेंटर से थोड़ी ना, है ना। लाइन जब सेंटर से आए और टेंजेंट में टच करे तब 90 बनता है, तब 90, तो ये 90 तो नहीं बनेगा। हाँ समझ में आ गया कि 90 नहीं बनेगा, ये सेंटर से लाइन नहीं आ रही है, रेडियस नहीं, ठीक है। चलो खैर पता क्या करना था, फाइंड ए बी सी, हमें पता करना ए बी सी, ओके। देखो एक इसका मैंने थ्योरम आपको समझाया था, अगर आपको याद हो कि कोई ट्रायंगल का दे, एक जो ट्रायंगल, और जो ट्रायंगल के सारे पॉइंट किसमें है, सर्कमफेरेंस में, दिख रहा, मैंने वाला बताया कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आप ये देख लो ट्रायंगल का टेंजेंट से एक्सटर्नल दिख रहा है एंगल 55, तो ये किसके बराबर होगा बताओ जरा, इंटीरियर के ऑपोजिट,
टीजर के अपोजिट कैसे लगेगा बताओ, कौन सा लगेगा? देखो ये मैंने थ्योरम बताया, देखो ये कॉर्ड है, सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट से यहां पे एक सेगमेंट, दो सेगमेंट दिख रही है, तो ये दो, अब देखो इस दो सेगमेंट से जो ये ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल के एक्सटर्नल एक एंगल बन रहा है जो कि टेंजेंट पर, तो ये टेंजेंट से जो दो कॉर्ड से नई कॉर्ड जो बन रही उससे और टेंजेंट से जो एंगल बन रहा है वो इस दो कॉर्ड के एंगल, दो कॉर्ड से जो एंगल सब्टेंड होगा वो एंगल के बराबर, समझो ये थोड़ा, अगर तुम नहीं, अगर इंग्लिश में उतनी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो ऐसे समझो कि एक ट्राइंगल ऐसे समझ लो जिसके तीनों पॉइंट किस पर है, सर्कल पर, और एक पॉइंट से टेंजेंट है, एक पॉइंट से टेंजेंट, तो यहां पर जो एंगल बने वो बराबर हो किसके, ये जो दो टेंजेंट यहां पर, ये वाली दो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दो जो कॉर्ड है, ये जो दो कॉर्ड है, इन दो कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है वो उसके बराबर, ये दो कॉर्ड, समझ में आया कि नहीं? मतलब एक कॉर्ड पर तो एक एंगल हो गया, तो ये वाली कॉर्ड छोड़ दो, बाकी जो दो कॉर्ड बच रही उनसे जो दो एंगल, हम बोले सर एक दो तीन कॉर्ड है, कौन से दो कॉर्ड पकड़े, तो ये कॉर्ड पे तो एक कॉर्ड से तो एंगल बन रहा है टेंजेंट पर, टेंजेंट से एक जो एंगल बन रहा है बाहर, जो टेंजेंट और कॉर्ड से ना, तो ये वाली कॉर्ड छोड़ के बाकी जो दो कॉर्ड वो उन दो कॉर्ड में जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर, तो यहां पर ही भाई ये वाला छोड़ दो, ये कॉर्ड छोड़ दो, इन दोनों 55 बना, अब ये कॉर्ड छोड़, अब ये दो कॉर्ड बची, क्योंकि ये देखो 55 कैसे बन रहा है, इस कॉर्ड से और इस वाली टेंजेंट से, तो अब बचे दो कॉर्ड और, तो ये कॉर्ड छोड़ के बाकी जो दो कॉर्ड बचे हैं, तो ये वाला ये एंगल बच रहा है, ये कॉर्ड बचे, ये कॉर्ड बचे, ये जो इन दो कॉर्ड से जो एंगल बन रहा वो इस एंगल के बराबर होगा 55, ये 55 हमें क्या निकालना है, ए बी सी निकालना, ये 55 है, ये 60 है, बी वाला निकालना है, ए बी सी, तो ट्रायंगल का टोटल मार के 180 माइनस करा, ट्रायंगल टोटल क्या 180, इन दोनों प्लस माइनस करा, समझ में आया कि एंगल देख लो, एक एंगल टेंजेंट से, एक एंगल कॉर्ड से, तो कॉर्ड और टेंजेंट तो अब तीन कॉर्ड है टोटल, तो ये वाली कॉर्ड छोड़ के बाकी दो कॉर्ड जो बच रही है उनमें जो एंगल बन रहा है वो इसके एंगल के बन रहा है, ये मैंने इजी लैंग्वेज में आपको बताया, ठीक है? तो ये क्वेश्चन था, ठीक, इन दिस फिगर सी, आपको एक एंगल दिया हुआ है, क्या अगर ये एंगल है तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे, बी डी सी, तो नेमिंग भी आना चाहिए, क्योंकि आपको अभी तो मैं ऐसे बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, लिखना तो आपको प्रॉपर स्टेटमेंट वाइज है कि नहीं, तो ये जो एंगल है क्या एंगल बनेगा, बी डी सी, अरे यही तो बनेगा, देखो ये लाइन है, ये लाइन बी डी सी, चल अच्छी बात, पता क्या करना है देख लेते, बी ए ओ पता करना है हमें, बी ए ओ, बी ए ओ, ठीक, देखो इसमें कैसे जाए, देखना ये वाले ट्राइंगल को हम थोड़ा सा कंसीडर करें, ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये तो 90 है इस टाइप, क्योंकि हमें बी ए ओ तो पता करना है, ये पता ये नहीं, ओके, अगर हमें ये पता चल जाए तो कुछ काम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा 65 दिया है, ये क्यों दिया, ये भी सोचने वाली बात है, यहां पर 65 दिया होगा क्यों दिया, चलो छोटे वाले ट्राइंगल में आ जाओ, ये वाले ट्राइंगल आ गए, ये आ गए, मेरे पेन की मार्किंग जो मैं शेडो कर रहा हूं वो देखो, ओके, देखो इस ट्राइंगल में ये तो 90 हो गया, ये 65 हो गया, तो ये कितना हो गया, 90 प्लस 65 माइनस 180 से माइनस करा देना, तो कितना 155 माइनस 180 माइनस 155 25, तो ये एंगल आ गया 25, ओके, चलो हमें यहां तक पहुंचना है, परेशान ना हो, बी ए ओ यहां तक, ये 25 आ गया, अच्छा अगर ये 25 आ गया तो ये भी कितना आ गया, ये भी 25, क्योंकि रेडियस पर है, रेडियस है ना, दो रेडियस है ना, तो ऐसे सिर्फ ट्राइंगल हो गया, ये 25 आ गया,
ठीक है। अब देखो आर तुम्हारा ये 25 है, तो ये भी तो 25 होगा। देखो ना कट्टम काटी वर्टिकल अपोजिट, ये देखो ये 25 तो ये भी 25। अब आ जाओ छोटे वाले ट्रायंगल, ये वाले आ गए। देखो ये 65, तो ये क्या है स्ट्रेट लाइन पर एंगल बना हुआ है, 180 से माइनस करा दो तो 65 180 माइनस करा दो 115 आ जाएगा। 115 25, देखो 115 प्लस 25 प्लस x मान लो इज इक्वल टू 180, तो 115 प्लस 25 को वो 180 से माइनस करा दो। तो ऐसे भी जा सकते हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो एंगल एट द सेंटर के हिसाब से दिया गया है ना, वही वाला सेंटर सेम कॉर्ड वाला, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो तो ठीक है। कई तरीके, तो मैंने ये तरीका इस्तेमाल कर, तो जो आपको इजी लगे, जहां पर आपकी सोच पहुंच जाए उस तरीके का एंगल। तो लीड कैसे लोग, लीड जो एंगल दिया गया होता है वहां से लीड लिया, यहां पे 90 दिया हुआ था लीड से मैंने और एक 65 दिया, तो यहां से मैंने लीड ये दोनों निकाला, ये दोनों से मैंने ये निकाल लिया, यहां आ गए, यहां आ गए तो मैंने वर्टिकल अपोजिट कर दिया, फिर 65 का माइनस 180 इधर आ गया ये 25, और फिर ए वाला एंगल निकाल, किस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये देखते हैं, ये एंगल 30 दिया हुआ है ओके, और बीसी और बीडी हमें इक्वल प्रूव करना है, और ये तो डायमीटर है ही, ठीक है डायमीटर, ए बी तो डायमीटर दिया हुआ, अभी ए बी क्या डायमीटर, ए बी डायमीटर है, तो जैसा कि मैंने कहा क्या कि कुछ भी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज एक्टिवेट करनी आनी चाहिए कि कुछ प्रॉपर्टी जिंदा हो गई। अगर डायमीटर, तो ये डायमीटर है तो ये वाला तो 90 माना जाएगा, ये अलग बात है 90, ठीक है। चलो हमें बी सी इज इक्वल टू बी डी प्रूफ करना, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्रूफ करने के लिए मैंने क्या कहा था कि बी सी और बी डी प्रूफ करना, तो हमें उसकी लेंथ नहीं नाप के बैठ, हमें उसकी लेंथ नहीं नाप के बैठ, अगर दो लाइन को इक्वल प्रूफ करना होता है तो कहीं ना कहीं उसके दो एंगल के पास जाते हैं आईसोसेलेस के पॉइंट। तो अगर हमें बीसी और बीडी इक्वल प्रूफ करना है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल, कुल मिला के बाद हमें ये एंगल और ये एंगल प्रूफ कर दें, तो इस एंगल का अपोजिट ये लाइन, इस एंगल का अपोजिट ये लाइन, ये भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, देखो कितना इजी है। देखो जैसे कि मैंने कहा था कि जहां पर तुम्हें लीड दी जाए, यानी जो इन्फॉर्मेशन गिवन उसका साथ ना छो, उसके पकड़ सको, ठीक है। ये देखो अगर ये ट्राइंगल को तुम टारगेट करो, इस ट्राइंगल को टारगेट तुम करो, तुम्हारी फिर नजरें बहुत पक्की होनी चाहिए, अप्रोच बहुत पक्का होना चाहिए। तो 30 है और ये 90 है, तो यहाँ पर कितना हो जाए ट्राइंगल का, मार दो टोटल 30 और 90 120 माइनस 180, तो ये हो गया 60 डिग्री, ये 60 हो गया। ये अगर 60 डिग्री हो गया तो बाजू में आओ स्ट्रेट लाइन एंगल, अगर ये 60 है तो बाजू वाला 180 से माइनस करा दो, एक स्ट्रेट लाइन में एंगल 180 होते हैं, तो ये हो गया 120, ये 120 हो गया, ये ट्राइंगल में आ जाओ, इसको मानो एक्स, इसको मानो एक्स, सर दोनों को एक्स भी मान रहे हैं, नहीं नहीं एक्स ना मान, रुको यही तो हमें प्रूफ करना है, बी सी और बी डी तो प्रूफ है, ये तो हमें मालूम पड़ गया कि यहाँ पर एंगल कितना है, तो यहाँ पर एंगल कितना है 120, यहाँ तक पहुँच गए, पहुँच गए ठीक। अब इधर आ जाओ जरा, जब तुम इधर आओगे देखो ये वाला कितना है, ये जो टेंजेंट एंगल बन रहा है ये 90 है, ये पूरा इधर है, ठीक है। अब इधर जान लो जरा, देखो कैसे पहुँचे, ठीक है यहाँ तक हम लोग आ गए थे, चलो यहाँ पर देखो ये एंगल 30 है, तो ये भी तो 30 होगा, हाँ या ना बोलो, ये भी तो 30 होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस है, देखो ये रेडियस है कि नहीं है, ये और ये क्या है रेडियस है, तो ये 30 तो ये भी 30 होगी। अच्छा ये 30 और ये वाला पूरा 90 था, ये 90 था ठीक है ना, तो ये 30 है तो ये वाला कितना हो गया 60 हो गया। अरे भाई ये 90 को तो 30 और 60 में स्प्लिट हुआ है, देखो ना ये जो क्या था ये डायमीटर वाला है, डायमीटर 60। अच्छा अब ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन पकड़ लो टेंजेंट वाली, है ना, देखो ये 90 है जिसमें से ये पार्ट तो 60 हो गया, तो ये वाला 30 हो गया, आ गया ये 30 आ गया, ठीक है।
ये 30 आ गया, यहाँ पे 120 था तो ये 30 120 है, 120 और 30 150, ये वाला 30 हो गया तुम्हारा, दो एंगल बराबर हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमें पूछा गया है कि ए सी बी क्या निकालो, ए सी बी मुझे ये पूछा है ए सी। ठीक है चलो, तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो इन्फॉर्मेशन गिवेन होती है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, और साथ ही साथ मैं एक और शायद मैंने लास्ट टाइम जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी राइट, एक प्रॉपर्टी शायद मैं बताना भूल गया। देखो जब आप दो टेंजेंट बनाते हो, इन दो टेंजेंट को रेडियस से जोड़ते हो तो एक है ना क्वाड्रिलेटरल जैसा दिखता है फिगर, है ना, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल इधर हो गया, एक एंगल इधर हो गया, और एक एंगल, ये तो हमें पता ही है कि ये दोनों एंगल कितने होते हैं, 90-90 होते हैं। क्यों? क्योंकि टेंजेंट से रेडियस से टच है, ये 90-90। जब ये 90-90 हो गए और एक क्वाड्रिलेटरल के टोटल 360 एंगल हो गए तो ये दोनों का टोटल कितने बराबर, ये 180 हो गया 90-90। तो ये जो दो टेंजेंट से और जो सेंटर पे बन रहा है, इन दोनों का जो एंगल का टोटल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे कि 50 है तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 100, तो याद रखो। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल किससे बने, जब दो टेंजेंट से और दो रेडियस से क्वाड्रिलेटरल बने, याद रखना कि जो दो टेंजेंट जो अपोजिट जो टेंजेंट उनका एंगल तो 90 डिग्री होता है, ये तो बताइए, ये भी 90 ये भी 90, इसका मतलब इन दोनों का टोटल भी 180 डिग्री हो जाएगा, तभी तो 360 होगा। तो याद रखना एंगल को सेंटर पे और जो दो टेंजेंट से एंगल बना इनका टोटल 180 डिग्री होगा, तो ये प्रॉपर्टी भी लिख लेना। ओके चलो, ठीक है, तो अब आ जाओ ए सी बी। ठीक है, एसी भी पता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ए बी एक कॉर्ड जोड़ा, ठीक है, यानी कि ए बी से ही यहां पे सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है, और इसी ए बी से ए सी बी भी बन, यानी कॉमन कॉर्ड हो गया, कॉमन कॉर्ड से एंगल सेंटर पे बने और सर्कल पर बने, तो क्या रिलेशन होता है, आधे डबल। ठीक है, अगर ये वाला नॉट दिस वाला, ये वाला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का मतलब आधे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल फिर ये वाला छोड़ के ये है ना रिफ्लेक्सिव वाला अपोजिट सेंटर रिफ्लेक्सिव वाला, ये आधे और डबल का समझो। अच्छा ठीक, अब आ जाओ वापस अपने इसमें टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी में। टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया, एंगल अगर ये 50 है तो ये एंगल और ये एंगल का टोटल कितना हो, टारगेट ये कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, ये 50 है तो ये हो जाएगा आपका 130, ये आ गया 130। अच्छा अब ये देखो, अगर ये 130 है तो हम थ्री ये पूरा सर्कल के लिए 360 से माइनस करा देंगे, तो ये वाला एंगल निकल आएगा, ये एंगल निकल आएगा, इसी का आधा फिर ये एंगल हो जाएगा, समझ। तो यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से रिलेशन मारा, तो ये 130 है तो 360 से माइनस कराओगे तो आ जाएगा 230, है ना, ये आ जाएगा 230। अगर ये एंगल 230 और सेम कॉर्ड से बन रहे, देखो ए बी सेम कॉर्ड है, ए बी से ही ये एंगल बन रहा है और ए बी से ही ये एंगल, तो ये याद रखना ये वाला एंगल मत लेना, जो जो अपोजिट जो जो आधे और डबल का फर्क होता है वो कहां पर होता है, बोलो, अपोजिट वाला नहीं होता, वो ये वाला एंगल छोड़ के इसका रिफ्लेक्टिव एंगल पर होता है। देखो यहां से बना, ठीक है, और ये बना है ना, सेम कॉर्ड है कि सेम कॉर्ड भी, ये एंगल और ये एंगल पे होगा, ये और ये पे नहीं, ओ देखो भाई ये सर्कल की प्रॉपर्टी मुझे बता, बोलो ये बना है ये है, ठीक है, सेम कॉर्ड से, जरूरी नहीं कॉर्ड में लाइन लाइन बनी, कॉर्ड बनी हो ऐसा भी जरूरी नहीं, बस आपने ये दो पॉइंट उठाए, यहाँ पे एंगल बना, एंगल बनाया एक सर्कल पर और इसी दो पॉइंट से मैंने सेंटर पर बना दिया, तो बताओ अच्छा आधे और डबल का क्या कौन से एंगल के रिलेशन होता है, इसका या इसका या इसका या इसका, ठीक है ना, तो किसका होता है आधे और डबल का, इस एंगल का, सेंटर के रिफ्लेक्सिव वाले, इसके अपोजिट जो एंगल इसका नहीं, इसका रिफ्लेक्सिव है, ये या है ना,
इंटीरियर वाले भी रहे, एक्सटीरियर वाले, आधे डबल का रहे, आधा डबल मतलब ऐसे कि अगर ये 100 है तो ये 50 हो गया, ठीक है ना। तो यही चीज हमने इस इसमें भी की, ठीक है। और ये इस टाइप के सम आते ही हैं, टेंजेंट और सर्कल की प्रॉपर्टी के बेस के सम आते ही हैं, तो ये याद रखना, इस टाइप के सम आएंगे, ये चीज आप याद, ठीक है। और ये मतलब इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना। तो किस तरीके से हमने लीड उठाए, यहां से इंफॉर्मेशन मिली थी, यहां से इधर गए, तो ये प्रॉपर्टी भी समझ ली ना आपने। ये प्रॉपर्टी बताई मेरे टेंजेंट वाली, क्या दो टेंजेंट और दो रेडियस से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, दो टेंजेंट और दो रेडियस से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो एक जो एंगल सेंटर पे बन रहा है और एक एंगल जो सेंटर बन रहा है और एक दो टेंजेंट बन रहा है, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 180। इन दोनों का टोटल कितना होगा 180। अगर एक 100 है तो दूसरा वाला 80 हो जाएगा, बाकी ये तो 90-90 पता ही है आपको, ठीक है ना। और ये दो टेंजेंट भी इक्वल हो, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये देखते हैं। इन द गिवन फिगर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, टू टेंजेंट पी टी एंड पी एस आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ठीक है, ये रेडियस आर है। इफ ओपी इज 2R, ओपी कितना दिया हुआ है 2R के बराबर, रेडियस का डबल, ये जो लाइन है ये ओटी प्लस ओपी ओएस के बराबर है, ऐसे कर शो दैट ओटीएस ओटीएस एंड ओएसटी क्या है, मतलब यहाँ पर ये जो एंगल है, यहाँ ये 30 डिग्री बोला, 30 डिग्री प्रूफ कर, 30 डिग्री प्रूफ कर। तो कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है क्या, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है नहीं, तब 90 डिग्री है तुम्हारा, यही बात, इसके अलावा कुछ भी इन्फॉर्मेशन लग नहीं रही, और आपको 30 तक में जाना है, यहाँ पे 30 तक के जाना है, ठीक है ना। तो खैर चलो आएंगे हम लोग, देखो ये तो 90 है, ओ टी पी 90 है, और पी ओ टी को तुम क्या मान लो, थीटा मान लो, पी ओ टी को हमने क्या मान लिया, थीटा मान, ठीक है। अब आप क्या करो, ये आपको पता ही आर कॉस कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हें थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ेगा यहाँ पर, कॉस थीटा, हमने थीटा किसको माना है, हमने थीटा किसको माना है, पी ओ टी को, पी ओ टी इसको थीटा माना है। तो ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे हमने लगाया कॉस, क्या लगाया, कॉस लगाया, तो ये तुम्हारा एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, या हाइपोटेनस हुआ, तो बी अपॉन एच होता है, मतलब ओ टी अपॉन हाइपोटेनस ही हो जाएगा, 90 का अपोजिट हाइपोटेनस ओपी, ठीक है ना। ओटी क्या है, आर है, और ओपी क्या है, ओपी 2R है, ओपी 2R है, रेडियस का डबल है, देखो आर आर कट गया, 1/2 R गया, है कि नहीं। अब 1/2 की वैल्यू क्या होती है बोलो, हमने क्या करना, कॉस थीटा, 1/2 की वैल्यू क्या होगी कॉस में, 60 डिग्री होगी, कॉस 1/2 की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री होगी, तो ये आ गया 60 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना क्या था, ओ टी एस निकालना था, ओ टी एस, ठीक है, तो 60 डिग्री आ गया, ओके। ये तुम्हारा क्या है, 90 है, तो ये वाला एंगल मालूम पड़ जाए, हाँ मालूम पड़ जाए, पता चल जाएगा 90 और 60 से, ये वाला तीनों का एंगल टोटल 180 कर देना, और माइनस तो 30 मालूम पड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ गया 30, ओके। हमें कब पता करना, ओ टी एस तक में पता करना है, फिर ओ टी एस में जाना है, अच्छा ठीक। अब यहां पर देखो कि चलो अगर ये तुम ट्रायंगल को टारगेट करो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये ट्रायंगल टारगेट कर रहा हूं, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। ये मैंने टेंजेंट प्रॉपर्टी बताई थी कि जो टेंजेंट मतलब पी से जो टेंजेंट बना रहे हो कॉमन, और ओ पे उसकी लाइन सेंटर से जोड़, ठीक है, और वहां से तुमने रेडियस निकाली, तो उसके जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये याद रखना, ये एंगल क्या होंगे आपस में, इक्वल होंगे, ठीक। तो अगर ये 60 तो ये भी 60, तो ये हो गया 120, ये 120, और ये क्या है, रेडियस है, एक्सेस मान लेना, तो 120, तो बचा कितना, 180 माइनस करो 60, तो 33 हो गया, 34 है कि नहीं। फिर से मैं बता देता हूँ, चलो देखो फिर से मैं बता देता, देखो ये था
सर्कल एक पॉइंट लिया गया था बाहर ऐसे ऐसे, ये सेंटर हो गया, ये हमने परपेंडिकुलर बनाया और यहां पे क्या एक लाइन तुम्हारी ड्रॉ थी ये, और यहां पर दिया हुआ था, दिया हुआ था क्या वोट, ये कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं, तुम्हें ये वाला एंगल बताना था 30 ओ ए नहीं ओ ए टी, ये एंगल तुम्हें शो करना था 30 डिग्री, ये और ये भी कितना 30 डिग्री, ये शो इन दोनों, क्योंकि किस तरीके से हम लोग गए, हमने क्या किया एक लाइन ड्रॉ की, ये ट्राइंगल को कंसीडर किया, ये 90 है तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, हाँ सर राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो क्या राइट एंगल, और हाँ ये जो रेडियस इसको आर बोला गया और ये जो ओपी लाइन है इसको 2R बोला गया, ठीक चलो वापस आ जाओ, ये ट्राइंगल में हमने क्या लगा दिया कॉस लगा दिया, इसको मान लिया थीटा, इसको क्या मान लिया थीटा मान, तो हमने लगा लिया कॉस थीटा, हमने क्या लगा दिया कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ये हमने थीटा माना है तो इसके लिए बेस क्या हो जाए ओएस हो जाए, ओएस मतलब आर हो जाए, अब इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 90 के अपोजिट, 90 इसके अपोजिट ये ओपी, ओपी क्या है 2R, तो आर बाई 2R कट गया बच्चा 1 नवे बनी समझो 1/2 cos थीटा की 1/2 वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री होती है, तो कुल मिला के ये वाला एंगल आ गया 60। अब आ जाओ स्टार्ट, देखो ये 60 डिग्री आ गया, ये 60 तो ये भी 60, ये याद रखना कि बाहर एक्सटर्नल पॉइंट कॉमन कोई पॉइंट है टेंजेंट, वहां से तुम लाइन ड्रॉ करोगे सेंटर पे तो ये जो एंगल क्या होंगे बाई, ये याद प्रॉपर्टी, ये याद, तो 60 होगी, अब ये वाला ट्राइंगल टारगेट करो 60 + 60 120, ये हो गया 120, ये दोनों रेडियस यानी ये भी है ये भी है, एंगल दोनों के बराबर, तो x + x + 120 = 180, ट्राइंगल का टोटल बस 2x = 120, इधर जाके माइनस हो जाएगा 60 बचेगा, एक्स इक्वल 38, समझ में आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और टफ नहीं है इजी है, कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे दहन में है पूरे तरीके से तो वो इजी है टफ नहीं है, कर ले जाओ। अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज करते हैं जो कि मैंने कल के पहले वाले पार्ट में समझा, ठीक है, और इस टाइप के एग्जाम में आएंगे, इतना ईजी है, इतना ईजी मैं ऐसी बता देता हूँ, इतना ईजी है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने तीन प्रॉपर्टीज बताई थी, लाइन, ये लाइन से लेंथ, देखो अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर सर्कल के अंदर तो इनका जो रेशियो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, देखो CP into PD इक्वल होगा किसके AP into P, है ना, AP into P, समझ में आ गई बात, चलो मैं यहां देखो CP into PD मतलब एक ही लाइन का दोनों जो डिवाइडिंग जो मतलब पॉइंट इंटरसेक्ट कर वहां से ही हम लोग क्या ले लेंगे प्रोडक्ट ले मल्टीप्लाई इक्वल होगा किसका AP into PD। अब क्या होगा एग्जाम में आपके बोर्ड में 1, 2, 3, 4 तुम्हारे पास तुमने वेरिएबल है, चार में कोई तीन वेरिएबल आपको दिया जाएगा चौथा पूछा जाएगा, देख जैसे सीपी यहां 3 दिया, पीडी यहां पे 4 दिया हुआ है, एपी यहां पे 6 दिया हुआ है, पीबी यानी ए तुम्हें पूछा, ठीक है, तो 3 × 4 / 6 = 8 आ जाएगा 2, ठीक है ना, तो कितना ये अगर कोई ठीक है अगर एक कॉर्ड और एक टेंजेंट का मीटिंग पॉइंट कहां पर है सर्कल के बाहर हो रहा तो उसका क्या रेशियो होता है, ये लेंथ दिख रही है टेंजेंट वाली, तो टेंजेंट मतलब पीटी का स्क्वायर टेंजेंट का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये होगा देखो ये जो कॉर्ड जो बाहर तक आई इसका रेशियो का मल्टीप्लाई मतलब पी ए इंटू
पी बी, देखो पी ए इंटू पी बी, ध्यान रखना। अगर मैंने लास्ट टाइम जो प्रॉपर्टी बताई थी, अगर मैंने शायद शायद मुझसे गलती हो गई थी, मैंने शायद पी ए इंटू ए बी बोल दिया हो, तो देख लेना क्या क्या बोला रहेगा। मैंने? पी ए इंटू पी बी रहे, पी ए आधा एंड पूरा, तो पी बी, ये ध्यान, ऊपर ठीक है नहीं ना? किया, नहीं, ऊपर बता रहा। ओके चल, तो इन्फॉर्मेशन पुट करो, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पी ए कितना है 3, एंड पी बी कितना है, पी बी, अब देखो पी बी, पी बी के ये तो पी ए 3, पी बी 3 है के 3x, नहीं ना, 3+x हो, ये गलती कर रहा, 3। अब ये पूरी जो लेंथ है ना पी बी, पूरी लेंथ क्या होगी, पूरी लेंथ क्या होगी, प्लस पी है। ए प्लस एक्स, पी ए मतलब 3+x, तो इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा है 3+, है ना, ये पी बी है ना, 2 में बटा है, बस कर लो 25, 3 × 3 9, 9, 9 एंड प्लस थ्री इंटू 9, एक्स 3x प्लस का 3x, 9 इधर लाके मल्टीप्लाई करो, माइनस कराओगे 16 हो जाएगा, फिर 3 लाके डिवाइड करा देना, तो एक्स की वैल्यू आ गई, ये एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो पी बी अगर पूछे पूरा पूरा पी बी बताओ क्या करना है, 3+ 16, 16 अपॉन 3 कर लेना, है ना, 3+ ये एक्स की वैल्यू क्या है, 16 अपॉन 3 है, दोनों प्लस कर देना अगर तुम्हें पी बी पूछ ले तो, ठीक है, इसमें देख लो। ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी देख लो, पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए, है ना, एक टेंजेंट का स्क्वायर, फिर ये जो कॉर्ड है जो बाहर की तरफ आ रही, पी ए इंटू पी बी, हाँ पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी पूरी वाली लाइन है, ठीक है ना, तो पी टी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 दिया ना पी टी, और पी ए कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, पी बी कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस, तो इन ब्रैकेट x+, ठीक। अब क्या इसको सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने को आते हैं, अब बहुत इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ए बी डायमीटर है, सेंटर ओ, अभी सेंटर ओ एंड सी पी टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट सी, एपी जो तुम्हें दिया हुआ, एपी एपी पूरा दिया हुआ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये पूरा है ना डायमीटर प्लस बीपी, यानी एपी जो दिया हुआ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, सीपी तुम्हें 10 दिया हुआ, फाइंड द रेडियस, तुम्हें रेडियस पता है, देखो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, ये जो पूरी लेंथ ये दी गई 20 और सीपी दिया हुआ कितना 10, अब तुम्हें पता है क्या करना, तुम्हें देखो ओसी रेडियस पता करना, ओसी पता करना है, या फिर हम कह सकते हो ओबी पता करना, ये भी कह सकते हैं ओबी, ये ओबी पता कर सकते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो, अगर हम ए बी पता कर लें तो उसी का आधा रेडियस हो जाएगा, ए बी को हमने क्यों टारगेट किया, क्योंकि हमारा टेंजेंट और जो एक्सटर्नल कॉर्ड है इनका रेशियो हमारे पास तैयार है, हमारी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है देख लो, देखो पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए, यही तो है कि नहीं है, पी पी इंटू पी ए, पहले बाहर की लाइन लेना है फिर विद कॉर्ड लेना है पूरा पूरा, चलो पी सी कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, पी बी कितना दिया हुआ है, यहां पे देखो जरा इंफॉर्मेशन, ए पी 20 दिया हुआ है, ए पी पूरा 20 दिया हुआ, ये तो 20 दिया हुआ, लो ये तो 20 यही हुआ है, टेंशन क्या है, ठीक है। 10 किसका दिया था, ए पी दिया हुआ, ए पी 10 दिया हुआ है, सीपी 10, ए पी 20 दिया, सीपी 10, ठीक है, बस चलो पी बी यहां पे लिख दिया, पी बी हमें नहीं मालूम, पी बी हमें नहीं मालूम, लेकिन पी बी नहीं ढूंढना है यार, हमें तो रेडियस ढूंढना है, और रेडियस कह लो या फिर डायमीटर, फिलहाल डायमीटर, बाद में आधा कर देंगे, क्योंकि रेडियस का वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा, खैर पहले पी बी तो ढूंढे फिर देखते हैं क्या होता है। चलो 20 आके इधर डिवाइड हो जाएगा 100 में, तो आ जाएगा 5, पी बी क्या आ गया 5 आ गया, ये 5 पूरा 20, ये 5 और पूरा कितना दिया था 20,
तो 20 में से 5 हटा लो तो डायमीटर कितनी आ गई, ये वाला इतना पार्ट 15 आया कि नहीं आया भाई, 15 प्लस 5 20 है ना, ये 15 आ गया तो रेडियस कितना हो गया, डायमीटर का आधा 7.5 आ गया, 7.5 है ना, कितना इजी था। तो जो तुम्हें पूछा गया हो कभी कभी डायरेक्ट उधर से कॉन्सेप्ट नहीं लग रहे होते, आप उसी के सहारे मतलब जो हमारा क्वेश्चन का कभी टेस्टर समझो क्या, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे समझो क्या कि यार ये तो वही थ्योरम है क्या, टेंजेंट का स्क्वायर पी बी इंटू ए पी ज्यादा पहले ये लाइन लगी फिर पूरी लाइन, इतना लगा के देखो क्या निकल रहा है देखो, फिर आगे खुद आपके रास्ते खुल जाएंगे कि यार ये तो निकल गया, ये पूरा इतना दिया हुआ था 20, तो ये तो निकल गया 5, 20 में से 5 हटा देंगे बचेगा 15, ये आ गया 15, अब ये डायमीटर है रेडियस के लिए 7.5। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो पार्ट में इतना काफ़ी है, और बाकी आप लोग अटेम्प्ट करो और जितने भी डाउट्स हैं वो आप लेकर आओ हमारे पास।